मैं आ गई हूँ आपके लिए एक रेसिपी लेके। आप वो रेसिपी सुनोगे तो खुश हो जाओगे और ये बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी और बड़ों को भी ये टेस्टी लगेगी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेटी पाव। चॉकलेटी पाव कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। पहले हमको चीज़ों की ज़रूरत है, पहले चॉकलेटी ड्रेसिंग और फिर चाकू और एक पाव से ही बन जाएंगे। आपको तीन चाहिए, अगर है ना छह बनाना है तो दो पाव लेना है। हाँ, तो हम तीन ही बना रहे हैं क्योंकि मेरे घर में बहुत कम मेंबर्स है। और ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये 6 इयर्स के बच्चों के है ना, आगे के बच्चे है ना, 6 इयर्स के पीछे के बच्चे उनको मत बनाने देना ये। और ये जो है ना 7 जब लगता है ना 6-6 साल के बच्चे को मत बनाने देना है और उनसे भी छोटे को मत बनाने देना। जब 7 के हो तब बनाना और 8, 9, 10 सब में है ना। लेकिन 6 साल जब रहोगे ना 6 साल के तब बिल्कुल मत बनाना ये। तो आज मैं शुरू कर रही हूँ अपना वीडियो। तो उसके लिए मैंने 1 पाव के 3 पीसेस काट लिए। एक पाव के मैंने 3 पीसेस काट लिए। अब आते हैं इनकी तरफ। इनको हम लगाएंगे इस पर, पाव के टुकड़े तो बना लिए मैंने। अब पाव के टुकड़े पे ये मैंने लगा दिया है। आपको एक स्पून भी लेना है। मैंने स्पून नहीं दिखाई लेकिन मैं वीडियो में तो बोल दूं। तो आपको एक स्पून लेनी है। रुकिए, ये मैंने स्पून ले लिए, कोई सी भी टाइप की ले लो, बड़ी छोटी। मैंने इस पे पाव पे ये मैंने चॉकलेटी ड्रेसिंग डाल दी। डल गई चॉकलेटी ड्रेसिंग। तीनों टुकड़ों पे डालना है। मैं सैंडविच नहीं बना रही हूँ, आपको तो पता ही है हर चीज में चॉकलेट का चैनल है मेरा, तो चॉकलेट की बताती हूँ हर चीज। ये सब चीजें बच्चों की भी है और बड़ों की भी रहती है। आप है ना खाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये मैंने ढक्कन बंद कर दिया। अब स्पून की तरफ आते हैं। स्पून से हम इनको ऐसे, ये पाव पे देखिए मैंने ड्रेसिंग डाल दिया है। अब मैं सब ऐसे फैला लूंगी, ड्रेसिंग पूरे पाव पे कर दो ड्रेसिंग। आप चाहो तो और भी डाल सकते हो, आपको ज्यादा मीठा चाहिए रहेगा तो। लेकिन मेरे को मेरी दादी कम खाने देती मीठा, इतना भी चलेगा। देखिए इतना इतना मैं से हो गया है जितना, क्योंकि मैंने कम ही ड्रेसिंग डाली और कम ही डालूंगी, दादी चिल्लाती है। तो ये मैंने इस पे फैला लिया है। अब मैं और सारे पाव पे फैला। तो ये मैंने फैला लिया है। एक बार मैं चुपके देख लेती हूँ। अच्छा, ये भी हो गया। सब अच्छा ही बना है पाव। आप टेंशन मत लीजिए, आपको जितनी ज्यादा ड्रेसिंग डालनी, कोई सी भी ड्रेसिंग डाल सकते हैं, बस चॉकलेट ही डालिएगा। आपको जैसी ड्रेसिंग पसंद है वैसे ही डालिए। मेरे पास ये पड़ी थी तो मैंने ये डाली।
खेल मत करिएगा। ये ऐसी स्पून हो गई है, मैं चख के देख लू ड्रेसिंग कैसी। नई नई लाई हूँ ना, ड्रेसिंग अच्छी है। ये वाली ड्रेसिंग बहुत अच्छी लगी मेरे को, तो आप लोग भी ये वाली लाया करें। अगर मैं तो आपको बता रही हूँ, अगर आपको ये है ना आप ला चुके हो, आप लोगों को अच्छी नहीं लगे तो मत लाइएगा। मेरी मर्जी के मत चलेगा, आप आपकी मर्जी से चलेगा। ओके, रैपर मत लाइएगा। अरे इसको एक ध्यान रखिए, दो तीन दिन में खराब हो जाएगा और इसको फ्रिज में ही रखना है, और ऐसे खुले नहीं ढक के रखेगा। ओके, तो आज की हमारी रेसिपी खत्म हुई। मैं आपको पाव दिखाऊं कैसे कैसे दिख रहा है ऐसे। मैं इसको खा कर देखती हूँ। अच्छे, तो मैंने खा लिया। मेरी रेसिपी खत्म हुई। ये आपको लग रहा होगा क्या है किचन में सा हुआ है, बिल्कुल ये मैं किचन ही है। तो आज का वीडियो खत्म हुआ, बाय बाय गाइस। मैं आपके लिए न्यू रेसिपी लाऊंगी। मैं चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए जो आपको वीडियो पसंद आया हो।